हेलो एवरीवन, दिस इज विकी एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। एंड पता है टाइटल और थंबनेल से पता चल चुका होगा कि आज हम बात करेंगे जो गोल्ड कैरेक्टर है उनके बारे में। वेल, अभी बहुत ज़्यादा न्यू प्लेयर है, अभी उनके पास डायमंड नहीं है, तो भैया गोल्ड कैरेक्टर तो गेम में है ही है, तो कौन से बेस्ट है टॉप 10 वाले, तो उनके बारे में बात करने वाले। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और हाँ, आप सभी के लिए क्वेश्चन रहेगा कि इस कैरेक्टर में टोटल कितने कैरेक्टर हैं गोल्ड के, मुझे कमेंट में बताना है, और जो भी सही कमेंट करेगा उसको मैं पिन करूंगा सबसे पहले। तो फटाफट भाई गिन लो गेम में जाके, जो करना है करो और बताओ फटाफट, ओके। एंड तुम्हारे पास टोटल कितने कैरेक्टर है ये भी बता सकते हो, तो भाई दो दो कमेंट कर सकते हो ऑफ कोर्स। एंड तुम यहाँ पर देख सकते हो मैं सब दिखा रहा हूँ, अब तुम चाहो तो इससे भी काउंट कर सकते हो। अब भाई दिमाग तुम्हारा यूज़ करो, मेरा बताने से कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। एंड यही बात है, ठीक है। और जो भी नए बंदे ना उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि भाई देखो खर्चा करना अलग बात होता है, बट जो बिगनर होते हैं ना उनके पास इतने डायमंड नहीं होते, सच्ची बात है। मैं भी बिगनर था, मेरे पास भी नहीं थे। तो भैया 10 ऐसे कौन से कैरेक्टर है जो तुम सबसे पहले निकाल सकते हो और यूज़ कर सकते हो, तो भाई देखो इस वीडियो को पता चल जाएगा, ठीक है। वेल, एक बात तो ज़रूर है कि भाई गरीना ने इतना महंगा भी कैरेक्टर को नहीं रखा है, मतलब 8000 में तुम खरीद सकते हो, तो सही बात है, ठीक है। नंबर 10 की यहाँ पर बात करूँ तो वो बहुत ज़्यादा बंदे यूज़ करते हैं, ऑफकोर्स यूज़ करते हैं, क्यों ना करें भाई, क्योंकि इसका नाम है मोको। एंड मोको की एबिलिटी ये कि भाई ये एक एनिमी की लोकेशन को मार करता है 5 सेकंड के लिए। एंड देखो जैसे तुम CS खेलो या फिर तुम एक स्नाइपर प्लेयर हो, तो भैया मोको बहुत ज़्यादा यूजफुल है तुम्हारे लिए, ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। एंड अगर तुम अभी भी देखो तो बहुत ज़्यादा यूजफुल अभी भी मोको को यूज़ करते हैं, तो भैया बात तो ज़रूर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नंबर 9 की बात करें, तो ये कैरेक्टर तुम्हारे हीलिंग में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, मतलब इसका नाम है कपेला। एंड अभी इसकी जो स्किल है कि भाई देखो जब तुम मेडी मारते हो तो तुम्हें एक्स्ट्रा HP मिलेगी, मतलब अगर अभी 75 नॉर्मल मिलती है तो इसे यूज़ करो तो 86 मिलेगी। साथ ही साथ अगर तुम आलोक को यूज़ करते हो तो भी तुम्हें थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा HP मिलेगी। एंड अगर बाई चांस तुम डाउन हो जाओ तो वहाँ पर जो फटाफट हमारी जो HP रिड्यूस होती है वो धीमे धीमे होगी, ये इसकी अच्छी सी स्किल है। एंड बहुत ज़्यादा बंदे इसे यूज़ नहीं करते, अंडर रेटेड कह सकते हैं हम, ठीक है। तो यूज़ करते हो नहीं करते हो कमेंट में जरूर बता। नंबर 8 की मैं बात करूँ तो भैया देखो ये कैरेक्टर तो जानते हो ना, पहचानते हो ना, केली दीदी, ठीक है। इसकी स्किल ये है कि भैया स्प्रिंटिंग में बहुत ज़्यादा तुम्हारी हेल्प करेगी एंड तुम्हारी स्पीड बढ़ा देगी 6%। एंड साथ ही साथ अगर तुम इसके अलाइट केली का जो वर्जन यूज़ करते हो तो भैया 106% ज़्यादा डैमेज पहले शॉट में मिलेगा, तो ये अलाइट केली भी तुम कह सकते हो। एंड ऑफकोर्स केली अभी भी बहुत ज़्यादा बंदी यूज़ करते हैं फॉर मूवमेंट स्पीड, ऑफकोर्स ये बात है। एंड भाई क्लैश कॉर्ड में तो इसे आराम से यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। नंबर 7 की बात करूँ यहाँ पर तो भैया वो कैरेक्टर का नाम है यहाँ पर हैवी ड्राइवर, ठीक है। हैवी ड्राइवर मतलब मिशा, एंड मिशा की अभी एबिलिटी जो है तुम्हें पता है कि भाई ड्राइविंग स्पीड है वो बढ़ा देती है, प्लस साथ ही साथ इस पर डिफॉल्ट एम काम नहीं करता ज़्यादातर। एंड भैया बहुत अच्छी बात है, एंड मिशा को अभी के टाइम पे कौन यूज़ नहीं कर रहा है, बिकॉज भाई एक नया मेटा क्रिएट हुआ है मिशा के कारण, एंड बहुत ज़्यादा बंदे यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज गाड़ी का यूज़ टूर्नामेंट में होता ही होता है, एंड वहाँ पर मिशा बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है मेरे हिसाब से। तुम क्या सोचते हो इसके बारे में कमेंट में ज़रूर बताना। नंबर 6 की यहाँ पर मैं बात करूँ, देखो अगर तुम ऊपर से गिरते हो तो तुम्हें डैमेज पड़ता है, बट अगर तुम इसे यूज़ करते हो दशा को तो तुम्हें वो डैमेज नहीं देखने को मिलेगा। ऑफकोर्स ये कैरेक्टर भी बहुत अच्छा है, अगर तुम कोई हाइट वाली जगह से कूदो गेम में तो तुम्हें जहाँ पर डैमेज देखने को मिल जाएगा वो देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो कूदने के बाद थोड़ा टाइम लगता है वो भी कम हो जाता है इसके कारण, और उसके बाद रिकॉइल, तो ये रिकॉइल कम करने में भी हेल्प करता है। तो ऑफकोर्स दशा कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है अगर तुम्हारी लॉन्ग रेंज या फिर तुम्हें रिकॉइल की प्रॉब्लम हो रही है, तो वेल इसे तुम यूज़ कर सकते हो। एंड क्या सोचते हो कमेंट में जरूर बताना। आगे बढ़ते नंबर 5 की बात करूँ तो नंबर 5 पे भी पहुंच गए, अगर तुमने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो फटाफट यार। तो वो है हमारा मारो कैरेक्टर, अब किसी को मानना मत, इसका नाम ही मारो है, क्योंकि ये डैमेज को इंक्रीज कर देता है, जितना दूरी उतना इसका अच्छा डैमेज रहता है। एंड सिंपल सी बात है, अगर तुम वुड पिकर यूज़ करते हो या फिर हमारी जो मार्क्समैन राइफल है कोई भी ले लो, अगर तुम इसे यूज़ करते हो तो अच्छा खासा तुम्हें डैमेज देखने को शुरू मिलेगा। एंड ऑफकोर्स मारो कैरेक्टर तुम यूज़ कर सकते हो अगर तुम्हारी लॉन्ग रेंज खराब है तो। एंड मैं खुद यहाँ पर यूज़ करता हूँ वही कैरेक्टर, तो तुम समझ सकते हो, ठीक है। नंबर 4 की यहाँ पर बात की जाए तो नंबर 4 पे जो कैरेक्टर है वो भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि उसका नाम है मैक्सिम। एंड मैक्सिम का हम सभी को पता है कि मेडिकिट फास्ट मारने में काम आता है, एंड 90% बंदे इसे यूज़ अभी के टाइम पे कर रहे हैं, 90% तुम सोच सकते हो। एंड तुम करते हो कि नहीं करते हो कमेंट में क्लियर कर देना एक बार। देखो मैक्सिम की स्किल को कम कर दिया फिर भी बंदे इसे यूज़ करते हैं, बिकॉज भाई ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, कोई तुम क्लोज रेंज की फाइट बोलो या कोई भी बोलो, ठीक है। तो ऑफकोर्स मैक्सिम बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, इसलिए उसकी रैंकिंग काफ़ी अच्छी है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नंबर 3 की बात करें तो वो भाई वो भी बहुत अच्छा कैरेक्टर है, ठीक है, जिसका नाम है हयातो। अब भैया हयातो को कौन नहीं यूज़ करता ये बताओ, हर एक बंदे ने इसको यूज़ करके छोड़ा होगा या यूज़ कर रहा होगा, बिकॉज हम सभी को पता है कि भाई अगर कोई बंदा तुम्हें मारता है तो उसके बाद उसकी सहमत आ जाती है अगर तुम्हारे पास हयातो है तो। वेल यही बात है, एंड मेरे हिसाब से हयातो की स्किल तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज तुम्हें ऑलरेडी पता होगी एंड तुमने यूज़ किया होगा यार, आई नो।
एंड हयातो भी एक बहुत ज़्यादा पुराना कैरेक्टर है अगर तुम्हें पता है तो। एंड वीडियो में कोई कमी लग रही हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, मैं अगली बार ट्राई करूँगा कि उसे अच्छे से कवर कर लूँ। ठीक है, नंबर टू की बात की जाए यहाँ पर तो वो भाई एक एक्टिव स्किल है, ठीक है, जिसका नाम है A124, जो तुम्हारी EP को कन्वर्ट कर देगा HP को, 60 EP को 4 सेकंड में HP को मतलब HP में कन्वर्ट कर देगा। एंड यहाँ पर कूलडाउन टाइम है 10 सेकंड, तो ईजिली तुम मतलब अगर तुम बोलो तो आलोक से भी ये अच्छा है अगर तुम्हें यूज़ करना है तो, बट काफ़ी कम यूज़ होता है क्योंकि भाई बंदे को पता है ना यार, जो उसमें डायमंड लगे बंदे वही यूज़ करना पसंद करते हैं, जिसमें गोल्ड लगे वो तो काफ़ी कम यूज़ करते हैं। ये मतलब हर जगह का सीन है, ठीक है, जो ज़्यादा अच्छा रहता है ना उसे यूज़ नहीं करेंगे, जिसमें ज़्यादा पैसे लगेंगे वो यूज़ करेंगे। ठीक है, नंबर वन की यहाँ पर बात की जाए तो उसका नाम है कैरेक्टर क्लू, एंड क्लू भी भाई लोकेशन दिखाती है 75 मीटर के अंदर अंदर, और कूलडाउन टाइम मतलब 1 मिनट ले लो, और काफ़ी अच्छा कैरेक्टर है, जो मतलब जितने भी उस रेंज में बंदे आएंगे उन सबकी लोकेशन ये दिखा देगी। एंड ऑफ कोर्स इसे नंबर वन पे इसलिए रखा क्योंकि ये CS में काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है, रैंक में भी पहले होता था एंड टूर्नामेंट में भी होता था, बट अब थोड़ा कम कर दिया है, बट तुम यूज़ कर सकते हो, लिटरली तुम कर सकते हो। बस आज की वीडियो में यही था, वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड तुम्हें और ऐसी वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना। मुझे मिलते हैं अगले वीडियो में।